अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो अगेन मंडे की वीडियो है पोर्टफोलियो के ऊपर, और ये 23वां पोर्टफोलियो है, 23वां वीक का पोर्टफोलियो है। आप लोगों को जैसे कि मैंने इस पोर्टफोलियो के थ्रू बताया कि मैं हर मंडे को सेम पोर्टफोलियो आप लोगों को शो करता हूं कि आप लोग इससे एजुकेशन ले सकें, सरमायाकारी कैसे की जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 23 वीडियोस का मकसद ही ये है कि आप लोगों को बता सकूं कि पैसे सरमायाकारी में कैसे लगाते हैं और उसको होल्ड और सबर करने का तरीका कार क्या है। बिल्कुल सिंपल रूल्स है। अब चले चलते हैं पोर्टफोलियो वीक नंबर, आज है 23वां और आज का पोर्टफोलियो है 12,463। और इसी तरह अब लास्ट वीक में जो 22वां पोर्टफोलियो था, व्हाट्सएप पे चल के देखते हैं कि लास्ट वीक में पोर्टफोलियो था $11,570। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं इजी वे में आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह देखें आप लोग, एक हफ्ते में देखें कैसे पैसे ग्रो किए हैं। और मैंने कुछ नहीं किया, ग्रो भी होते हैं और डाउन भी जाते हैं, चूंकि टारगेट है $1 मिलियन का और आपको इसका बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज को समझ सकें कि पोर्टफोलियो ग्रो भी करता है और डाउन भी जाता है। मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है 11,500 8,000 नहीं रह सकता, 5,000 नहीं रह सकता, जरूर है, क्योंकि टारगेट्स ही डिफरेंट हैं, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको सबर करना पड़ता है। और देखिए इस वीक में पोर्टफोलियो 12,463 हो गया और ये तकरीबन $893 बड़ा एक वीक में, और इसकी पाकिस्तानी रुपयों में जो कीमत है 2,47,700 रुपये बढ़ा एक हफ्ते में। आपने देखा होगा कंसिस्टेंट दूसरा वीक है जो पोर्टफोलियो बढ़ है। वो मैंने आपको बताया था कि मार्केट की करेक्शन के फेजेस होते हैं और वो मार्केट ने करने जरूरी होते हैं। अब आप लोगों को मैं ये बता देता चलता हूं कि मैंने जैसे आपको बताया कि 12-18 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। 12-18 महीने में 6 महीने तो ऑलमोस्ट हो गए, 6 महीने तो ऑलमोस्ट हो गए, 22-23वां वीक हो गया। अब पीछे रह जाता है 1 साल। आप खुद देखेंगे कि अब जैसे ही बेयर मार्केट ये करेक्शन अपनी कंप्लीट कर लेती है तो देखेंगे कैसे ओल्ड कॉइन्स की किस तरह ओल्ड कॉइन्स बढ़ेंगे। अब चले चलते हैं कुछ, थोड़ा सा मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट को बताता चलता हूं कि बिटकॉइन इस टाइम क्या करने की कर रहा है और आगे 1-2 हफ्तों में बिटकॉइन क्या कर सकता है। तो अब थोड़ा सा बिटकॉइन को हम वीक का चार्ट खोल के आपको देता हूं मैं। ये तो फॉर श्योर है बिटकॉइन इस टाइम करेक्शन की मोड में, और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि मार्केट का जरूरी नहीं कि मार्केट अभी अपनी लास्ट लेग ना लगा सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये देखें जी ये आ जाते हैं। अब देखें कितना क्लियर ये बुल फ्लैग बना हुआ है। अब इस चीज को हम इग्नोर कर दें या इस चीज को हम समझ जाएं कि बिटकॉइन इस टाइम अपना करेक्शन की मोड में है, कुड भी ये 2 से 3 हफ्ते बहुत डिजास्टर हो और ये लास्ट लेग लग सकती है। मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट की चार्ट्स को रीड करके आपको ये मैं बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये जितनी करेक्शन होगी,
जितनी लेग्स की कुरेक्शन नीचे होंगी उतनी लेग्स की कुरेक्शन जो टॉप होगा वो इसके ऊपर होगा, और वो उतना ही हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। ठीक है, हमारे में इस टाइम सबर नहीं है, इस टाइम हम पेशेंस नहीं है हमें कि यार क्यों नहीं पैसे बढ़ रहे, क्यों। देखें, हमें, मुझे तो पता है इस चीज का कि पैसों ने अपने टाइम पे बढ़ना है, और वो ही, और जब वो बढ़ेंगे तब फिर भी हम लोगों में सब्र नहीं होगा, हम फिर भी बेच देंगे। मैं आपको बताता चलता हूं, कल मैंने एक छोटी सी वो अपनी मेरी ये इन्वेस्टमेंट्स में एक इन्वेस्टमेंट एक ऐसी थी कि कल मैंने तकरीबन कुछ कुछ पैसे थे जो मेरे बड़े, और आज मैंने देखे वो तकरीबन कोई 8-10 हज़ार डॉलर नीचे चला गया। और मुझे कोई भी इस चीज की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी तंगी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरी ये सरमायाकारी है। सरमायाकारी में अगर मैं 8-10 हज़ार डॉलर को देखूंगा और फिर मैं कहूंगा कि यार हो कल मैं कैश कर लेता, एक दिन में मुझे 8 हज़ार का फायदा हो जाता, तो ऐसे नहीं होता। मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लॉसेस नहीं है, ये इस वीडियो गेम। आप लोगों ने अगर वीडियो गेम खेलनी है तो आप लोग सरमायाकारी में जरूर आए। आपका सिर्फ का क्या काम है, मैंने आपको जैसे बताया कि अगले 12-18 महीने इतने इंपॉर्टेंट है, 100 का 1,000 बनता है, 100 का 1,00,000 बनता है। आप मानेंगे मेरी, अगला जब ये 23वीं वीडियो है ना आज, जब ये 70वीं वीडियो 80वीं वीडियो होगी ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कंसिस्टेंटली कि मैं आपको क्या कहता रहा हूं। आप लोगों को अभी भी मौका है, आज भी मौका है, आप 1,000 से सरमायाकारी करें, लेकिन खुदारा करें जरूर, ताकि आप लोगों को एक एक जिसे कहते हैं ना, हिर्स लग जाएगी आपको सरमायाकारी करने की। मिसाल है कि आप 20 हज़ार कमाते हैं पाकिस्तानी, यार आप 1,000 नहीं लगा सकते, जरूर लगाएं। आपके अपने बच्चों के लिए, अपने नस्लों के, आने वाले नस्लों के लिए बहुत फायदा है। आज आप लगाएंगे, कल को आपकी औलाद लगाएगी, कल को आपकी नस्ल लगाएगी, जैसे गोरा करता है। मैं इंग्लैंड में रहता हूं, आप यकीन करें मेरी जिन जिन लोगों के साथ दोस्तियां हैं इधर गोरों के साथ, हर बंदे के पास अपनी सेविंग्स है, हर बंदे के पास। और हमारे पास क्या है, हम लोग तो सिर्फ कमाते हैं और खा जाते हैं, कमाते हैं और खा जाते हैं। और खुदारा 1,000 नहीं आप सेविंग कर सकते अपनी, आप जरूर करें, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चैनल। अगर आप ये इसको अपॉर्चुनिटी के थ्रू लें, अगर आपने इसको नहीं लेना तो आपको अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला अगले 18 महीने में तो जरूर पता लगेगा, 12 महीने 18 महीने में, कि मैं आपको क्या कहता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग इस चीज को समझेंगे और लोगों तक जरूर शेयर करेंगे कि मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, लाइव एजुकेशन है ये, कि भी सरमायाकारी में आज से पहले वीक में क्या था और आज 23वें वीक में क्या है। 10 हज़ार से 17 हज़ार डॉलर गया, 17 हज़ार से 8 हज़ार रह गया, 8 से फिर 12 चला गया, क्या हो क्या। ये सिर्फ और सिर्फ सबर की गेम है। आपको इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आप लोगों का फायदा होगा। थैंक यू, सलाम अलैकुम।